नमस्कार सर, मेरा नाम दीपशिका है, मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका से हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, परीक्षा के दौरान माँ बाप बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें और जब बच्चे 80 से 90% अंक प्राप्त करते हैं उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते। वो चाहते हैं उनका बच्चा या बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, जिससे बच्चों के अंदर की इच्छाएँ मर जाती हैं। ऐसा होना सही है या गलत? धन्यवाद सर। तीन सवाल और ले रहे हैं हम। लेह से डिग्री कॉलेज सेकेंड ईयर की छात्रा लीला बानो का सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। नमस्ते सर, आई एम लीला बानो फ्रॉम लेह लद्दाख। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीए सेकेंड ईयर एट एलेजर जॉर्डन मेमोरियल कॉलेज लेह। Sir, as you know, our parents have very high expectations from us. They need to understand that we all are different individuals having different abilities and calibers. Could your worthy self please make our parents understand that and request them to take us as we are? Thank you, sir. Thank you, sir. हमारे माता पिता हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं क्योंकि हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। क्या आप हमारे पेरेंट्स से कह सकते हैं कि हम जैसे हैं वैसा ही हमें स्वीकारें, एक्सेप्ट करें? कुशल शर्मा ने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए अपना प्रश्न पूछा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, प्लीज़ टेल अस हाउ टू टैकल सोशल प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम रिलेटिव्स एंड नेबर्स बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स। समटाइम्स इट गेट्स वेरी अनॉइंग एंड डीमोटिवेटिंग। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं? सर, एक सवाल और है। कार्तिक गुप्ता आईआईटी बीएचयू से अपने मन की बात पूछ रहे हैं। हाउ कैन वी चेंज द मेंटेलिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स हु फील दैट स्टडिंग इज ओनली फॉर अर्निंग, यानी पढ़ाई सिर्फ कमाने का जरिया है। सभी ने पेरेंट्स के प्रेशर की बात की है और हम सभी उत्सुक हैं आपसे जवाब सुनने के लिए। वैसे तो ये मेरी सोच थी कि स्टूडेंट्स के सवाल आएंगे, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि जितने सवाल स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, माँ बाप भी उतने ही हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा कि इन बच्चों को कुछ ठीक करो। माँ बाप मुझे कह रहे हैं कि आप इन बच्चों को समझाओ, वो अपनी मेंटालिटी ठीक करें। पहली बात है कि हम अपने माता पिता के इरादों पर शक न करें, हम उनको आदरपूर्वक समझने का प्रयास करें। वे भी हमारे लिए जिंदगी खपा देते हैं। कोई अच्छी चीज खरीदनी है तो नहीं खरीदते हैं, क्यों? तो भाई बच्चों को फीस देनी है, कहीं जाना है बाहर तो नहीं जाएंगे, बच्चों की एग्जाम है। माँ बाप, और ये स्वीकार के चलना चाहिए कि माँ बाप के जीवन का ड्रीम होता है अपने बच्चों को कुछ देखने का, और इसलिए उनकी निष्ठा पे शक नहीं करना चाहिए। और एक बार अगर ये पक्का हो गया कि भाई उनका इरादा नेक है, वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए दरवाजा खुलता है। वरना क्या होता है, 5 बजे पापा ऑफिस से आने का टाइम है, चलो यार किताब लेके बैठ जाओ, खेल खेलना है यार छोड़ो, नहीं खेलना है, पापा का आने का टाइम हो गया। ये माहौल अच्छा नहीं है, ये तनावपूर्ण एक प्रकार का वातावरण परिवार में तबाही कर देता है। दूसरी तरफ ये भी कठिनाई है कि बहुत से माँ बाप होते हैं जिन्होंने बचपन में सपने उनके अंदर किसी ने बोए होते हैं, और वो सपना बड़े होते हैं वटवृक्ष बनता जा रहा है, वो अपने सपने तो खुद पूरे नहीं कर पाए तो फिर वो सपने अपने बच्चों में ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, मैं तो टीचर होकर के जिंदगी गुजार रहा हूं, तुझे डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। वो कहता है मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो मां बाप कभी कभी
अपने बच्चों की क्षमता, परवरिश, इन सारी चीजों को देखे बिना खुद के जो अधूरे सपने रह गए हैं, कहते हैं ना लोग कि भाई मैं तो इसमें मानता नहीं हूं, इसलिए आप भी मत मानिए, लेकिन कहते हैं कि भूत प्रेत हुआ करते हैं, तो कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है और मरते हैं तो कहते हैं भूत हो जाते हैं, फिर वो इच्छाओं के लिए तलसते रहते हैं, तो कभी कभी इच्छाओं के भी भूत होते हैं, इंसान के हो या ना हो, और वो भूत आपको जकड़ लेते हैं। डायलॉग करना चाहिए माताजी पिताजी के साथ, खुल करके बात करनी चाहिए, अच्छे मूड में हो तब करनी चाहिए। और ये बात हिंदुस्तान के बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती है, भारत का बच्चा जन्मजात पॉलिटिशियन होता है। क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली में उसको पता होता है कि ये काम करवाना है, पिताजी को पता चलेगा तो नहीं होगा, तो चुपचाप दादी के पास जाता है। उस दिन दादी को पूछेगा, दादी जी पानी ले, दादी जी आइए ना, थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ, मैं साथ ले चलता हूँ मंदिर चल के, फिर बातें आता है, दादी मेरे लिए कर देना पड़ेगा, और दादी कर देती है, और दादी बेटे को भी डांटेगी, वो बेटे के लिए इतना ही नहीं करते, तो बच्चों को मालूम है कि कुछ काम करवाना है तो दादी से हो जाएगा, कुछ मम्मी से हो जाएगा, कुछ बड़े भाई से हो जाएगा, कुछ काम खुद का नहीं होने वाला है तो बहन को टाइट करो और बहन को बोलो तुम आज बराबर ड्रामा करो और करवा लो, और बहन घर में अगर एक बार उसने हवा बना ली तो पापा की ताकत नहीं है कि वो मना कर सके। नाम बहन का, काम भाई का, यही होता है परिवार में। लेकिन मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप इसको जो सोशल स्टेटस बना दिया है, जो अपने यार दोस्तों में कहीं मिलने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो सब बात करते हैं कि मेरा बेटा ये करता है, मेरी बेटी ये करती है, तो उनके मन में रहता है कि मैं वहां मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, उसका तो बेटा यहां पहुंच गया, उसकी तो बेटी वहां पहुंच गई, और मैं ही हूं कुछ बोल नहीं पाया, और मुझे घर आना, और फिर वहां जो सुना, बस सामने आप मिले नहीं कि मरे नहीं। समाज में वो किसी और के बच्चों की कथा सुन करके आते हैं, फिर मनोमन तय करते हैं मेरे बेटे बेकार है, मेरी बेटी बेकार है, मेरा कुछ हुआ नहीं, और हो सके तो गाड़ी में जाते होंगे तो पहले अपनी पत्नी को डांटते होंगे कि तूने कैसे बच्चे बड़े किया, क्या सिखाया, जब उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, उसी को डांटते रहते हैं कि तूने क्या सिखाया, ऐसे बुद्धू पैदा कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या, और घर पहुंचते ही तुम मिल गए सामने तो खेल खत्म। और इसलिए मैं अभिभावकों को कहता हूं कि आप इसको सोशल स्टेटस मत बनाइए, आप दुनिया से मत छुपाइए, अगर आपके बेटे के अंदर जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य की चर्चा कीजिए, उनके बेटे के सामर्थ्य से आप अपने बेटे की कंपैरिजन मत कीजिए। और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो, हर किसी को भगवान ने कोई न कोई परम शक्ति दी होती है, अगर पेरेंट्स उस परम शक्ति को पहचान ले और बालक को उस परम शक्ति के साथ जोड़ करके रखें तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। उधारी चीजें मत थोपो, अगर ये हम कर लेते हैं तो, और मैं अभिभावकों के रोल को बड़ा महत्व समझता हूं, वो बच्चे की केयर करे, दबाव न डाले, ये अंक वगैरह तो जिंदगी नहीं होती है जी, क्या एक एग्जाम जिंदगी होती है क्या? आपको दुनिया में बहुत लोग मिले होंगे, अब आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी देख लीजिए, उनका तो फाइटर प्लेन के पायलट बनने का इरादा था, फेल हो गए, क्या जिंदगी पूरी हो गई क्या? वहां फेल हो गए तो देश को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिल गया जी,
देश को एक उत्तम राष्ट्रपति मिल गए। और इसलिए जिंदगी ये माँ बाप के दिलों दिमाग में ये बार बार वातावरण बनना चाहिए, अभिभावकों ने भी करना चाहिए। अगर ये रहता है तो मैं समझता हूँ कि ये जो घर का तनाव है और उस तनाव समस्या बन गया है जी, ये एक सोशल स्टेटस बन गया है। और आप 90 लाओ तो पूछेंगे 95 क्यों नहीं लाए, 95 लाएंगे तो बोले देखो उसका तो 95 आया, तूने क्या कमाल कर दी। अगर आप 97 लाए, अब क्या है, अब तो 80% बच्चे 97 लाते, तू कौन सा बड़ा 30 मार्क की करता है। अच्छा हम हिम्मत नहीं कर सकते पूछने की कि आपका क्या हुआ था। और इसलिए एक खुलापन, एक तंदुरुस्त वातावरण परिवार में रहे, और सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं, सामान्य रूप से ऐसा रहना चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है कि बेटा बेटी 18 साल के हो जाए तो माँ बाप ने उन्हें मित्र के रूप में मानना चाहिए। संस्कृत में बहुत बढ़िया सुभाषित है, उनको मित्र मानना चाहिए। खैर मैंने तो पहले कह दिया कि मैं आज मित्र हूं आपका, और आज नहीं हमेशा हूं।